नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्फा मेल ट्रेट्स के बारे में। हाँ जी, असली मर्द की पहचान। अगर आप एक असली मर्द बनना चाहते हो तो कौन सी लाइफ स्किल्स है जो आपके दिमाग में इनबिल्ट होनी चाहिए, उन्हीं लाइफ स्किल्स के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आई बिलीव दैट एवरी सिंगल मैन नीड्स दी स्किल्स इन हिज लाइफ। अगर आप एक असली मर्द हो तो अपनी पूरी जिंदगी ना एक अल्फा की तरह, एक असली मर्द की तरह जीने सीखो। तो चलो पहले तो बात करते हैं फर्स्ट ट्रेट के बारे में। नंबर वन ट्रेट ऑफ एन असली मर्द, एन अल्फा, इज लीडरशिप। लीडरशिप बॉइल्ड डाउन टू इट्स बेसिक आइडिया इज मेक अ डिफरेंस। दुनिया में दो प्रकार के लीडर्स होते हैं, एक होते हैं अनसक्सेसफुल लीडर्स, दूसरे होते हैं सक्सेसफुल लीडर्स। अनसक्सेसफुल लीडर्स कुछ इस प्रकार होते हैं, जो पीछे बैठते हैं और अपनी टीम को असाइन करते हैं काम की, आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो। पर सक्सेसफुल लीडर्स, असली लीडर्स, अल्फा मेल, असली मर्द क्या करते हैं, सच की लीडरशिप को फॉलो करते हैं, लीडरशिप के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। और वो प्रिंसिपल्स क्या है कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, मेक अ डिफरेंस। जहां भी आप कुछ डिफरेंस बना सकते हो अपनी टीम के लिए, अपनी टीम की मिशन के लिए, वहां प्लीज डिफरेंस बनाने लगो। चलो दूसरे टिप के बारे में बात करते हैं। दूसरा टिप है बैलेंस्ड अग्रेशन। आपको एक कोट याद रखनी चाहिए, ये है कोट भगवद गीता से। खुद कृष्णा जी ने कहा था कि पाप करना भी पाप है और पाप सहना भी पाप है। बैलेंस्ड अग्रेशन, पाप करना पाप है, आप ये जानते ही होंगे, क्योंकि आपके आचार विचार ना अपनी जिंदगी में, आपके एथिक्स, आपके मॉरल्स, आपके सोच विचार हमेशा साफ होने चाहिए। पर अगर आपके लाइफ में कोई एंटर करता है और वो बैड मॉरल्स लाता है, बैड एथिक्स लाता है, आपको वो पाप भी सहना नहीं चाहिए। डू नो हार्म, टेक नो शिट। इसका मतलब है कि किसी को दुख मत पहुंचाओ, सामने से पाप मत करो, पर अगर किसी ने आपके साथ पाप किया, स्टैंड अप फॉर इट। बैलेंस्ड अग्रेशन, दूसरों की ओर अगर वो अग्रेसिव है, अगर वो इमोरल है, अगर वो आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, स्टैंड अप फॉर इट। बी ब्रेव इनफ टू स्टैंड अप फॉर वॉट इज राइट। ऐसी सिचुएशन में आपकी बॉडी की साइज की महत्व नहीं है, आपकी ताकत की महत्व नहीं है, कौन सी चीज की महत्व है, आपके दिल की। आपके दिल में जो साफ मॉरल्स है ना, जो साफ आचार विचार है, उन्हीं के लिए स्टैंड अप करो। स्टैंड अप फॉर वॉट इज राइट, बैलेंस्ड अग्रेशन। तीसरी ट्रेट है जेन मेंटालिटी। ये एक और प्रकार की बैलेंस होती है। जेन मेंटालिटी क्या होती है? जेन मेंटालिटी एक ऐसी मेंटालिटी होती है जहां आप ना दुख और हैप्पीनेस को, खुशी को इक्वल मानते हो। आप ये मानते हो कि अगर आपकी लाइफ में दुख भी आ जाए और हैप्पीनेस भी आ जाए, आपकी रिएक्शन बिल्कुल सेम होनी चाहिए, बैलेंस्ड रिएक्शन होनी चाहिए। आपको ओवर सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर दुख आपकी लाइफ में आ जाए ना, आपको उसके बारे में सोचना ज्यादा नहीं चाहिए, आपको एकदम वर्कअप नहीं होना चाहिए, आपको खुद दुखी नहीं होना चाहिए। वो दुख लेकर आपको खुद में ऐसे बेरी नहीं करना चाहिए, ऐसे ठोसना नहीं चाहिए वो दुख। और हैप्पीनेस भी, खुशी भी आपको वही मेंटालिटी से फॉलो करनी चाहिए। अगर आपकी लाइफ में सामने से खुशी आई तो वो खुशी को ना बस ऐसे मानना चाहिए कि हाँ खुशी आई है, पर खुशी को अपने अंदर डालकर उसमें एकदम ऐसे छा कर ना आपको वैसे नहीं ट्रीट करनी चाहिए वो खुशी को, वो पॉजिटिव सिचुएशन को। जेन मेंटालिटी हमें ये सिखाती है कि आपके लाइफ में जो भी हो आपको स्टॉइक रहना चाहिए। स्टॉइक का मतलब क्या है? बैलेंस्ड। टेक एवरीथिंग दैट्स कमिंग एंड लेट इट गो। When it comes, let it. When it goes, let it. And you will find peace. एक असली मर्द, एक असली अल्फा वही होता है जो अपनी जिंदगी भर अपने मन में शांति मेंटेन करते हैं। इसका मतलब है कि जो भी सिचुएशन आती है आपके लाइफ में ना, इट डजेंट मैटर। वॉट मैटर्स इज योर माइंड्स पीस, आपके मन की शांति। अगर आपके लाइफ में कोई नेगेटिव आए तो ट्रीट इट एज अ टीचर, गुरु मान लो उस नेगेटिव को। सीखो कि वो नेगेटिव चीज आपको सिखाना क्या चाहती है, सीख लो एंड मूव ऑन। और अगर आपके लाइफ में कोई पॉजिटिव आए तो जस्ट सेलिब्रेट इट अ लिटिल बिट, एंजॉय द पॉजिटिव फॉर अ मोमेंट एंड मूव ऑन। चौथी ट्रेट है रियल वर्ल्ड स्किल्स। अल्फा क्या होता है, असली मर्द क्या होता है? अल्फा होता है एक लीडर। लीडर ही असली मर्द की पहचान होती है। और अगर आपको सच में लीड करना है, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंस, लाइक पॉइंट वन। और अगर आपको सच में डिफरेंस बनानी है अपनी टीम के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल के लिए, आपके रियल वर्ल्ड स्किल्स भी टॉप नॉच होने चाहिए। पुराने जमाने में लीडरशिप स्किल्स, रियल वर्ल्ड स्किल्स होते थे हंटिंग, फिशिंग, थिंग्स लाइक दैट, फार्मिंग, फिजिकल स्किल्स। पर मॉडर्न डे में, आज के जमाने में कौन से रियल वर्ल्ड स्किल्स हैं?
टैक्सेस, फाइनेंसेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, फिटनेस, ग्रूमिंग, फैशन, ये सब होते हैं रियल वर्ल्ड स्किल्स। आपके खुद के स्किल सेट को इम्प्रूव करते रहो ताकि आपकी पहचान ना इस दुनिया में ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी वट ज़्यादा बढ़ जाएगी इस दुनिया में, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी इस दुनिया में थ्रू योर रियल वर्ल्ड स्किल सेट। एंटरप्रेन्योरशिप सीखो, फाइनेंसेस सीखो, सीख लो कि ये दुनिया कैसी चलती है, करंट अफेयर्स में थोड़ा सा दिमाग डाल लो एंड कीप इम्प्रूविंग फ्रॉम द इनसाइड। इफ यू इम्प्रूव फ्रॉम द इनसाइड, द वर्ल्ड विल नोटिस फ्रॉम द आउटसाइड। एंड द फिफ्थ ट्रेट ऑफ एन अल्फा इज मेंटल डिसिप्लिन। ये कोट सीख लो, कोट है गौतम बुद्ध की, उन्होंने कहा था कि अ मैन हु कॉन्कर्स हिमसेल्फ इज ग्रेटर देन अ मैन हु कॉन्कर्स 1000 मेन इन बैटल। इसका मतलब है कि एक इंसान जो खुद को कॉन्कर कर ले, जो खुद पर जीत पाए, ही इज द ग्रेट पर्सन। और ग्रेट कौन नहीं होते, जो लोग दूसरे लोगों को कॉन्कर करते हैं, दूसरे लोगों को टेक ओवर करते हैं, वो इतने ग्रेट नहीं होते। पर असली इंसान जो ग्रेट होता है वो वही होता है जो खुद पर जीत पा लेता है, खुद के दिमाग पर, खुद के कॉन्शियंस पर, खुद के अर्जेस पर जीत पा लेता है। इसका मतलब क्या है फॉर यू अ मॉडर्न डे पर्सन, अ यूथ, अपने लाइफ में ना डिसिप्लिन लाओ। डिसिप्लिन ही आपको सक्सेस लाएगा लाइफ में। डिसिप्लिन एक चीज़ है जो दूसरे लोगों को ना सिखाई नहीं जा सकती, पर डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो आप फिटनेस लाइफस्टाइल से सीख सकते हो। इसलिए मैं फिटनेस को इतना प्रमोट करता हूँ, क्योंकि फिटनेस लाइफस्टाइल ना आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगी। देखो, आपकी बॉडी तो अच्छी हो ही जाएगी, आपका पेट अंदर चला ही जाएगा, पर उसके साथ साथ आपकी मेंटल कैपेसिटी भी फिटनेस के साथ बढ़ेगी। एक इंसान का दिमाग बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। ये पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ठीक है। मान लो कि आप टीवी के सामने बैठे हो, आप टीवी देख रहे हो, आपके दिमाग के लिए ना वो सिचुएशन बहुत आसान है, वही होता है पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। आपका दिमाग चाहता है कि यार मुझे ना बस टीवी के सामने बैठ के चिल मारना है, पर लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ कंफर्टेबल होता है, आसान होता है, पर उसमें ग्रोथ बिल्कुल नहीं है। आपकी ग्रोथ कहाँ आएगी, पाथ ऑफ हायर रेजिस्टेंस में। और आपके लाइफ में हायर रेजिस्टेंस का पाथ क्या होगा, कोई भी प्रकार की मुश्किल। एक मुश्किल होती है टीवी से उठकर जिम जाना, एक्सरसाइज के लिए जाना। अगर आपने वो पाथ चुन लिया, हायर रेजिस्टेंस का पाथ चुन लिया, वहीं हायर रेजिस्टेंस के पाथ पर चलकर, वहीं हायर रेजिस्टेंस के पाथ पर फाइट करके, आपकी मेंटल कैपेसिटी भी बढ़ेगी आपके फिटनेस के साथ साथ। अगर आपको अपनी मेंटल कैपेसिटी बढ़ानी है, अगर आपको अपनी मेंटल फिटनेस बढ़ानी है, तो अपनी फिजिकल फिटनेस बढ़ाइए, उसके साथ साथ मेंटल फिटनेस और डिसिप्लिन दोनों बढ़ जाएंगे आपके दिमाग में। तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अब आप देखिए ये दोनों वीडियो। ये है विराट कोहली और अक्षय कुमार के मोटिवेशनल वीडियोस जो हमने बियर बाइसेप्स चैनल पर बनाए थे। प्लीज़ देखिए, ये दोनों महान योद्धा मानते हैं कि उनकी डिसिप्लिन का राज है फिजिकल फिटनेस। देखिए वीडियो, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम रणवीर एंड द टीम, नमस्ते, कीप इम्प्रूविंग।